आपको मिला विका चैनल, हाँ कितने का विका चैनल। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आता हूँ। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ दयाशंकर मौर्य जी के घर, जिनका एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था बिकम यूट्यूबर। तो उस चैनल को लेकर बात होगी, वो चैनल क्या हुआ दोस्तों, मतलब क्यों हटा दिया, उस चैनल पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारे मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भी जानना चाहेंगे, और मैं भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि अभी वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। इतना अच्छा चैनल था, 4.5 लाख सब्सक्राइबर थे उनके चैनल पर, तो मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस चैनल को क्यों छोड़ा, यही सारी चीज़ें दयाशंकर से मैं पूछना चाहूँगा। और उनके घर जाने वाला हूँ, और वो क्या कर रहे हैं अभी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने बताया कि अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ दोस्तों। अब वो बिजनेस क्या है, मतलब कितना प्रॉफिट होता है उस बिजनेस को लेकर, क्या यूट्यूब से ज़्यादा उस बिजनेस में अर्निंग कर रहे हैं अभी इस समय, और क्या उनका एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका दूसरा कोई यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी 20,000 सब्सक्राइबर उसके कंप्लीट हुए हैं, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी उस चैनल पर आ रहे हैं, मतलब वीडियोज़ पर व्यूज़ आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं अभी जाकर उनके घर पता करता हूँ, और एक स्पेशल ब्लॉग आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपके जितने भी कंक्लूजन हैं उनकी दिखाता हूँ, जर्नी के बारे में, वो क्या कर रहे हैं अभी, क्या चल रहा है दोस्तों उनकी लाइफ में। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ऐसे ही मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आता रहता हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर वेदर कैसा है दोस्तों, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, और आप यही गेस करेंगे दोस्तों कि मतलब आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता रहता होगा कि आप जब भी जाते हैं तो एक ब्लॉग जो शूट करते हैं तो रोड पर ही होता है, कभी LRP रोड पर होता है, कभी ऐसे गांव की सड़कें होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शांति रहती है दोस्तों, तो शूट करने में मज़ा भी आता है। आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ गन्ना ही गन्ना बुआ हुआ है, तो और मौसम भी बहुत ही कूल है, धूप है, तो धूप में और ज़्यादा मज़ा आता है शूट करने में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको लेकर चलता हूँ दयाशंकर जी के घर दोस्तों। सो फाइनली गाइस, मैं अभी दयाशंकर जी के घर पहुंच चुका हूं। घर के बाहर हम लोग अभी टेस्ट ड्राइव लेने आए थे, उनकी स्कूटी ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बाइक की है जो टेस्ट ड्राइव ली जाए। तो अभी मैं आपको मिलाने वाला हूं दयाशंकर जी से, और उन्हीं के साथ ये पूरा वीडियो होने वाला है, उनका बिजनेस क्या है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली ये रहे दयाशंकर जी, स्टाइल वही अंदाज है दोस्तों। हेलो गाइस करने का, गाइस ज्यादा नहीं कहते हैं। अभी तो, हम अपने चैनल के लिए वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो जस्ट अपलोडिंग पे भी लगा दिया है। अच्छा, तो अभी जितेंद्र भाई आए हुए हैं, और जैसे ही आए और कल हमारी स्कूटी खराब गई थी, तो हमने कंप्लेंट डाली हुई थी, तो मतलब ये जहाँ रहते हैं उनके थोड़ा सा आगे जो है एजेंसी, तो वहाँ से भी लोग आए हुए थे सर्विस करने के लिए, तो भी स्कूटी बन गई है। तो हम और जितेंद्र आए थे स्कूटी का टेस्ट ड्राइव करने के लिए कि सही चल रही है कि नहीं। तो ये हमारी स्कूटी, ये यहाँ पर का नाम मत देखिए क्योंकि ये कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब कंपनी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? बदनाम नहीं कर रहे, इस वजह से नाम ही नहीं बता रहे। अच्छा, कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक स्कूटी थोड़ी अच्छी बना रही है, तो हम नहीं चाहते कि इस कंपनी की वजह से मतलब नाम ही खराब हो जाए इलेक्ट्रिक स्कूटी का। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अच्छी काम कर रही है, लोग बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन कुछ में ग्लिच आ जाए, जैसे सैमसंग के कुछ फोन है वो स्लो चलते हैं। तो मेरा जो मेन पर्पस था दयाशंकर जी से मिलने का, तो वो ये पर्पस था कि यहाँ पर इन्होंने जो अपना पुराना चैनल था, ओल्ड चैनल था, जिसका नाम था बिकम यूट्यूबर, तो उसको आपने क्यों छोड़ा, उससे आपने क्यों लेफ्ट हो गए, और बहुत सारे सब्सक्राइबर आप पर भरोसा करते थे, और आप नई चीजें दिखाते थे, नए नए सिटीज विजिट करी और गए वहां पर, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो क्या ऐसा कारण रहा, क्या रीजन रहा कि आपने उसे छोड़ दिया, और किसको अगर छोड़ा तो क्या आपने चैनल को बेच दिया, क्या किया, और कितना रिवेन्यू से आपको मिला, हाँ कितने का विका चैनल, ये सारी चीजें होने वाली है हमारे प्लेन पे डालने का। तो वही सारी चीजें तो हमारे देखिए बताता हूं। एक्चुअल में हुआ क्या, जिसे मान लो हमने चैनल वो अपना जो शुरुआत किया था वो 2016 में शुरू किया था। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद में हमने उसको बहुत दिन तक चलाया, करीब 2020-21 तक चलाया, बहुत सारी वीडियो डाली, सब्सक्राइबर हुए, उसमें हमने दुबई ट्रिप किया, मुंबई गए, अपना और भी इंडिया में बहुत जगह घूमे, और तो बहुत सारे उस पर वीडियो व्यूज आए, सब्सक्राइबर मिले, बहुत सारे पैसे भी आए। अच्छा, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या कि हमारी मतलब सोच एक थी कि हम जो है और थोड़ा टहलेंगे घूमेंगे जी, तो आगे आ जाइए थोड़ा। क्या ऐसा रहा था कि YouTube में जितना पैसा लगा रहे थे वीडियो बनाने में, घूमने में, उतना वापस नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो जैसे 2 महीने की इनकम आई वो एक ही महीने में घूमने चले गए, तो एक महीना हमारा ऐसे घर पे ब्लॉग बनाते हुए निकला था, तो उतने इंटरेस्टिंग ब्लॉग बन नहीं रहे थे।
अच्छा, वो ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे थे उनकी रीच बहुत ज्यादा नहीं जा रही थी। अच्छा, वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि पहले क्या एकदम हमने दुबई की हाई लाइफ स्टाइल ये सब दिखा दिया तो लोग सब्सक्राइबर हाई लाइफ स्टाइल वाले आए, तो उस वजह से फिर उनको जो है जो मैं वीडियो बना रहा था उसने आई थिंक पसंद नहीं थे, तो उस वजह से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है वो भी हमारे चैनल को उतना सपोर्ट कर नहीं रहा था। तो मतलब हम वीडियो डालते थे 6-7-10-15 हज़ार मैक्सिमम व्यूज आते थे, कोई अच्छा वीडियो चल गया 30-35। हाँ, बस मेरा यही तो कहने से अर्निंग नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा हमने एक चीज नोटिस किया कि हमने चलो एक और नया चैनल बनाते हैं। जब एक और नया चैनल बनाया तो हमने देखा कि अगर हम उस पे कोई वीडियो डाल रहे हैं तो उसकी रीच अच्छी आ रही है। अच्छा, पुराने चैनल पे रीच अच्छी नहीं आ रही है। अरे भाई चश्मा क्यों नहीं लगा सकता मैं? लगाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप पे अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये दिक्कत आ रही थी तो हमने कहा क्यों ना नए चैनल पे वीडियो डालें। फिर और एक हमारे दिमाग में बहुत दिन से बिजनेस आइडिया था कि हमें नहीं पता था हम क्या करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा है, मैंने आपकी बात को काट दिया बीच में। तो अभी जो आपने जो पुराना चैनल था उसको आपने बंद कर दिया, आपने सारी चीजें भी आपने एक्सप्लोर कर दी, वो सारी चीजें जो आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि आपका इतना बड़ा चैनल था और वहां पर आपके व्यूज नहीं आ पा रहे थे जितना आप जितना लगा रहे थे, जितना ट्रेवल कर रहे थे, जितना आपका लग रहा था वही रिटर्न नहीं आ रहा, वही रिटर्न नहीं आ पा रहा था। लोगों से मतलब पैसा उधार लिए, वो लगाया हमने सोचा रिटर्न, और एक फिर हमें पैसे देने पड़ गए। तो दया जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन है कि जो आपका पुराना चैनल था तो आपने उसको किसे हैंड ओवर किया, कितने में बेच दिया? लोगों का क्वेश्चन ज्यादातर रहता है कि 4.5 लाख सब्सक्राइबर का कितने का आखिर पर हेड सब्सक्राइबर का बेच दिया, क्या चीजें थी वहाँ पर? तो एक्चुअल में ऐसा, जब चैनल पे रिस्पॉन्स अच्छा आ नहीं रहा था जी, तो हमने नया चैनल बना लिया, वो सही चल रहा था, तो अब पुराने चैनल का करें क्या? अगर ऐसे छोड़ दे तो सारे सब्सक्राइबर सब डाउन जीरो हो जाएगा, उस दिन बाद उसका कुछ नहीं मिले। तो हमारा एक प्लान था कि हम फ्यूचर में सोलर प्लांट लगाएंगे। अब सोलर प्लांट से जो बिजली बनेगी या तो हम किसी मतलब अपने गांव में लोगों को दे दें, सेल कर दें, या फिर किसी और वेलफेयर में लगा लें, कोई अच्छे काम में उसको यूज कर लें। अच्छा, फिर एक आइडिया है कि हम सोलर आटा चक्की लगा सकते हैं। तो उसमें जब हमने रिसर्च किया तो करीब 7-8 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। तो इतना इन्वेस्ट आपने कर दिया अपने बिजनेस में? हाँ, क्या है तो बताते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब मेरे पास पैसे थे नहीं, तो हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने आइडिया लगाया कि भाई लोन मिल सकता है क्या। तो लोन का जब पता लगा तो उसके लिए पता लगा कि आपके पास कुछ पहले से प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको वो लोग बेस बना के लोन देंगे। अच्छा अच्छा, तो हमारे पास प्रॉपर्टी तो कोई थी नहीं क्योंकि हम अभी 18-20 साल के हैं, मेरे पास क्या है, छूट के बोल रहे हैं आप 20 अबाउट चल रहे हैं। अरे मतलब अभी तो टाइम हो गया, हमने कहा अभी क्या है, हमें क्या कौन देगा लोन, तो बात किया। और लोन लेने में भी अपने इधर क्या रिश्वत लेते हैं, लोन लेने में भी रिश्वत। अच्छा, ये भी होता है ऐसा, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने तो फेस किया होगा वो सारी चीजें, तो आपको पता होगा वो भी जरूरी बता। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने जाओगे तो कुछ परसेंट चार्ज करते हैं, मतलब आप लोन ले रहे हो उसका ब्याज भी दोगे लेकिन कुछ रिश्वत आपको बैंक मैनेजर या जो भी लोग होते हैं उनसे जुड़े उनको देनी पड़ती है। अच्छा, तो हमने कहा ये सही तरीका नहीं। फिर हमने आइडिया लगा कि हमने कहीं सुना था कि चैनल सेल भी हो जाते हैं, हालांकि चैनल सेल करना यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो इलीगल है। अच्छा अच्छा, पर इंडिया में क्या जुगाड़ है ना, इतना हम लोग अमेरिका के नियमों को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने बनाया है, हमारा मन है, हमने बनाया, भेज दिया, हमने सीक्रेट तरीके से भेज दिया। इंडिया में तो जुगाड़ चलता है, जैसे मंत्री जी खरीदने के लिए आए थे। इलीगल है लेकिन हो जाता है ऐसा, मतलब ऐसा इलीगल नहीं है कि आप एकदम AK-47 बेच रहे हो आपको जेल में डाल देंगे, ये है कि आपका चैनल टर्मिनेट वगैरह कर सकते, इतना इलीगल है, ऐसा नहीं कि आपको जेल हो जाएगी। तो फिर उसमें हुआ क्या कि हमने एक बात किया, एक अप्रोच किया, एक यूट्यूब पे अच्छा काम करते हैं बहुत दिन से, उनको अप्रोच किया, हमने कहा हमारा चैनल बिकवा दीजिए, हमें पैसों की जरूरत है, हमें कुछ बिजनेस करना है। तो उन्होंने भी बहुत सलाह दिया कि दयाशंकर चैनल मत बेचिए आप, क्योंकि वो बहुत दिन से हमें जानते थे, काफी अच्छा आपका चैनल भी चल रहा था, एक सदमा लग जाता है लोगों को कि मतलब इतना सपोर्ट देते हैं फिर आप क्यों बेच रहे हैं। तो फिर चूंकि एक हमने इससे पहले भी चैनल बनाया था, उस पे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, उसको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। तो वो क्या मैंने देखा था, हाँ, वो टेक चैनल था शायद, तो उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया था इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से, हालांकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो मैं यूज्ड टू था चैनल मतलब छोड़ने में, मतलब मेरा उतना था, लोगों से अटैचमेंट था, चैनल से था, क्योंकि वो डाउन जा रहा था तो हमने कहा अटैचमेंट रखने का कोई फायदा नहीं, वो हाल हो जाएगा। तो सर मैं आप सही कह रहे हैं, तो आप रिवील नहीं करना चाहते, आप बता तो दीजिए कितने का आपने बेचा चैनल, ये मेन मुद्दा तो यही है यहाँ पर। बताता हूँ, तो 7-8 लाख रुपए मुझे बिजनेस करने के लिए वो जरूरत थी। तो फिर मैंने जब बात किया तो पता चला कि चैनल सेल हो जाएगा
लेकिन जो है 7 से 8 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तुमने कहा कितना मिल सकता, मैं आइडिया लगा रहा था कि 2-2.5 लाख का सेल हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो जब बात किया तो हमने, वो हमसे पूछ रहे कि आप कितने बेचोगे, मैं कहा अगर कहीं कम बता दिया तो तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा आप ही बताइए, ये बढ़िया माइंड लगाया हमने कहा आप ही बताइए, अगर कुछ होगा तो बार्गेनिंग कर लेंगे। उन्होंने बताया कि जनरली 1 रुपए पर सब्सक्राइबर के हिसाब से सेल हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये आपने गेस किया या फिर उन्होंने बताया? नहीं, उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा कुछ चैनल इससे भी महंगे रेट पे सेल होते हैं, अगर उनकी ब्रांडिंग वगैरह अच्छी हो या फिर रीच अच्छी हो। हाँ, रीच अच्छी हो, क्योंकि हमारी रीच भी उतनी खास थी नहीं, डाउन रीच की वजह से तो सेल किया। तो उन्होंने कहा 1 रुपए का पर सब्सक्राइबर सेल करा सकते, तो हमारे 4,33,000 को सब्सक्राइबर थे अप्रॉक्स। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा आपका 4.5 लाख का बिक जाएगा जी। हमने कहा वाओ, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिले। और आज इन्होंने डील करवाया, वो कनाडा में रहते हैं। अच्छा, कनाडा के रहने वाले। कॉलेज के टाइम पे उन्होंने मुझे कहा कि आप जूम मीटिंग में आ जाए, तो मैंने एक क्लास बंक करके जूम मीटिंग पे गए। चलो, बहुत बहुत जानकर अच्छा लगा आपसे कि आपने चैनल इतना मतलब हाईएस्ट प्राइस पे बेच दिया। और मतलब आपने कहा यूट्यूब के खिलाफ भी होता है, तो ये आप अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप ऐसे ही ना किसी वीडियो बनाए आपने कोई चैनल हमारा ले लो, सब्जी मंडी नहीं है। तो आप सही तरीके से आप उसे सेल करिए, लोगों से कांटेक्ट करिए। पता लगा आपने वीडियो बनाया और यूट्यूब वालों ने वीडियो देख लिया, आपने कमेंट में डाला, तो फिर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। सही बात। अच्छा, अब ये है जो आपका, आपने, मैंने देखा है कि आपका एक नया चैनल भी है, उस पर 20K सब्सक्राइबर होने वाले, 20,000 सब्सक्राइबर। तो इतना गट्स कहाँ से लेकर आते हैं, इतना मतलब एनर्जी कहाँ से लेकर आते हैं कि आप, आपको रुकना नहीं है? अब वो सारी चीज़ें मैं पूछने वाला हूँ कि ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको नया जो है चैनल खोला जाए, उस पर काम किया जाए। अभी अभी क्या हम एक काइंड ऑफ कह सकते हो स्टार्ट अप अपना एम बना लिए हैं लाइफ में कि हमें कुछ करना है। हमें अभी सिर्फ वीडियो बना के वैसा ही, मतलब वैसा नहीं बनना कि बहुत से लोग हमें जान जाएं, बहुत सारे यूट्यूब से पैसे। अरे फेमस तो आप वैसे भी हो चुके हैं, तो वैसा कुछ था नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों को बता रहे हैं नई नई चीज़ों के बारे में, जैसे सोलर के बारे में। देखो अब मैं ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, सोलर एक ऐसी चीज़ है, आपने लगा दिया, धूप पड़ेगी वो बिजली बनाएगा, वो बिजली आपके कहीं ना कहीं खर्च करोगे तो आपकी वेल्थ में कंट्रीब्यूशन करेगी। बिल्कुल सही बात। तो और यहाँ पर मैं पूछूंगा कि आपका जो नया चैनल है उसकी रीच कैसी, कैसा क्या चल रहा है? उसकी रीच बहुत अच्छी है, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ बहुत अच्छी चले, अभी भी उसी के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इनके मतलब लाखों में व्यूज गए थे जब इन्होंने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो 200K व्यूज इनके वीडियोज पर देखने को मिले थे। शायद कुछ ऐसे वीडियोज थे जो वायरल हुए, मतलब काफी लोग ढूंढ रहे थे कि दयाशंकर कहाँ गायब हो गए, तो शायद इसीलिए हमको लगता है कि वायरल हुए। क्या रीजन था उसका वायरल होने का? आई थिंक वो भी हो सकता है, पर हमने कुछ जो नेचुरल वीडियो बनाए थे जिसमें टेरेस गार्डनिंग कर रहे थे। हाँ, वो वीडियो देखा था जो फ्लावर्स लगे थे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा वो बनाया था। और उसमें मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है, मैं घर पे थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, और अभी मैं अपने ड्रीम के बिल्कुल मतलब कह सकते हो करीब आ गया हूँ। अब जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं, हमारा हमारा ये था कि सोलर प्लांट लगाए, उसके नीचे हरी भरी कुछ चीजें उगाए। आपने पहले ही रिवील कर लिया, मैं बिजनेस के बारे में पूछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा पॉइंटेड हुआ है कि बातें निकल के आ गई हैं। कई बार इन्होंने बता दिया कि ये बिजनेस क्या कर रहे हैं। तो अभी क्या है, ये सिलसिला ऐसे ही, ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सो फाइनली दोस्तों, ये रही उनकी ओकाया स्कूटी जो कि खराब होती रहती है। नाम क्यों नहीं बताएंगे, इतना मतलब नाम तो बताना बनता ही है दोस्तों, क्योंकि ये ओकाया कंपनी की स्कूटी है। यहाँ पर लोगों देख सकते हैं आप, ये रहा तो ये स्कूटी, इसमें क्या बैटरी की प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हम लोग बहुत भैया कम से कम ये 4-5 बार बिगड़ चुकी है, आज भी ये बिगड़ी। भैया भाई एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं इस समय। चलिए अच्छा गाड़ी चला के दिखाइए अब, ये इसमें वो कुछ नहीं लगाना पड़ता है, जा रहे हैं बस हमको भी लिए चलिए।